जैसे आप पाइथन में लिस्ट बनाते हैं उसी तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट में एरेज बनती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोड है, सैम्पल मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ, ये मेरे पास एक एरे बनी हुई है, कॉन्स्टेंट कार्स इज इक्वल टू कार में मिसाल के तौर पर होंडा सिविक, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्स, ठीक है। तो ये जो है कार जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, होंडा पड़ा हुआ है, तो ये प्रिंट कर देगा होंडा। मैं वन प्रिंट कराना चाहूँ, टू प्रिंट कराना चाहूँ, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। मैं साथ में जो है एक भी लगा देता हूँ लाइन ब्रेक, ताकि अलग अलग लाइन पे ये शो हो। तो होंडा सिविक सिटी ये अलग अलग जो है। इसी तरीके से अगर मैं एरे की लेंथ प्रिंट कराना चाहूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार्ड्स डॉट लेंथ, तो ये इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। मेथड देख लेते हैं एरेज के, कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास। लेंथ की है कार्ड्स, कार्ड्स लिखे हैं मैंने, तो ये थ्री आ गया, लेंथ आ गई। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुश करना है तो इसमें जो है आखिर में जो है एरे के एक एलिमेंट आ जाएगा। कार्ड्स के अंदर डॉट पुश करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल करोला, तो आखिर में जो है इसके एक एलिमेंट चला जाएगा, इसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, ठीक है जी। फोर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पॉप भी कर सकते हो, उसमें कोई एलिमेंट निकालना है, पुश पॉप के मेथड्स हैं, सॉर्टिंग का है, स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग यानी स्लाइसिंग जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से सॉरी स्प्लाइसिंग का मतलब है एलिमेंट्स रिमूव करें विदाउट रिमूविंग विदाउट हैविंग होल्स इन द एरे। आप कोई एलिमेंट्स रिमूव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कार्स के अंदर से स्प्लाइस करें जीरो से लेकर टू तक के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, और फिर हम प्रिंट कराएं इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। दो एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे उसके अंदर से, दो एलिमेंट्स रिमूव हो गए, दो रह गए। और बहुत सारी मेथड हैं, सॉर्ट का मेथड है, सॉर्ट करना चाह रहे हैं आप एरे के एलिमेंट्स को। तो फॉर एग्जांपल मैं डॉट सॉर्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हम देख लेते हैं बाकी क्या एलिमेंट रह जाते हैं। सॉर्ट किया मैंने और दोबारा प्रिंट कराया, तो अब पहले सिटी आ गया, फिर सिविक आ गया, फिर फंडा आ गया, ठीक है, सॉर्ट का मेथड है। इसके अलावा कि 1.8 इंस्टॉल करें, ठीक है। तो JDK 1.8 जो है आप यहाँ पे जाके जावा डाउनलोड किया आपने, ठीक है, ओरेकल की वेबसाइट पे ले रहे हैं आप, और यहाँ से आपने जावा डाउनलोड कर लिया विंडोज़ के लिए, या अगर आप लिनक्स पे काम करें तो लिनक्स के लिए। फिर पाइथन के लिए आपको एनाकोंडा चाहिए, एनाकोंडा डाउनलोड कर लें, डाउनलोड एनाकोंडा, ठीक है।
एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें या नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ से एनाकोंडा डाउनलोड हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से, जावा के लिए अलग अवेलेबल है, सॉरी विंडोज के लिए अलग अवेलेबल है, मैकिंटॉश के लिए अलग अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अलग अवेलेबल है। तो ये आप जो है डिफरेंट इंस्टॉलर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरनमेंट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉग इन आता है तो साइन अप कर लें आप, ठीक है, फ्री साइन अप है। उसके बाद जो है आप एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आप स्टूडियो, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे गए, यहाँ से आपने जो है डाउनलोड कर लिया एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया आपने। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपसे बोलेगा SDK इंस्टॉल करें। जैसे ही आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे वो SDK की इंस्टॉलेशन बोलेगा, आप SDK इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर आप जो है जेनी मोशन कर लें या एंड्रॉयड स्टूडियो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो बताया है, जेनी मोशन यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ये इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करना है। एंड आपने अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और थी जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, नोड जेएस भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, Node.js, ठीक है, Node.js भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लेटेस्ट वर्जन एटलीस्ट 12 प्लस वर्जन होना चाहिए, ये 14 है लेटेस्ट, ये डाउनलोड करें। और यहाँ पे कमांड लिखेंगे आप npm install -g React Native, ठीक है, ये जो है मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप माई रिएक्ट नेटिव, ठीक है, इस कमांड को चलाना है, क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप, ये कमांड है और ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ये प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम माई रिएक्ट नेटिव है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपका नोट्स बुक हो सकता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट बन जाएगा, उसके बाद आपने लिखना है रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, ठीक है। अगर आप iOS पे कर रहे हो तो एक्सपोर्ट आपने जो है इंस्टॉल करना है, वहाँ से रन करना है, ठीक है जनाब। ये तो एक अप्रोच है, दूसरी अप्रोच जो है एक्सपो के थ्रू, मैं एक्सपो की डिटेल बता देता हूँ, एक्सपो रिएक्ट नेटिव, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये ज्यादा इजी अप्रोच है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है, आपने रिएक्ट नेटिव पे काम शुरू करना है। आपने ये कमांड चलानी है npm install -- global export cli, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन बनानी है, expo init my app और expo start। ये अच्छा सवाल है आपका, एक्सपो क्या है,
एक्सपो जो है एक ऐसी अप्रोच है जिसके थ्रू जो है आप अपने ब्राउज़र पे रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। ऑसम प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और मैं इसको रन करता हूँ। एक्सपो स्टार्ट, एक्सपो स्टार्ट, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। इस एप्लीकेशन पे जब तरह हम काम करते हैं और लेट्स स्टार्ट विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं जो भी चेंज करूंगा प्रोजेक्ट में वो आपको नजर आएगा। जी, अगर क्यूआर कोड जो है मोबाइल पे आप रन करेंगे तो ये ओपन होगी, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मोबाइल पे चलाने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। एक्सपो क्लाइंट इंस्टॉल करें और मोबाइल पे स्कैन करें। मैं ये प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ये प्रोजेक्ट खुल गया है, ठीक है। ये हमारी एप डॉट जे एस फाइल है। एप डॉट जे एस फाइल को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। और मैं व्यू के अंदर जो है बटन लगाता हूँ। ओके का बटन लगाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट है। के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। टेक्स्ट चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू, ठीक है। और टेक्स्ट लिखता हूँ, जस्ट सैंपल एप्लीकेशन, ठीक है। चेंजेस जो भी कर रहा हूँ मैं वो यहाँ पर देख रही है। अब
ये जो है ना, ये आप एक्सपो क्लाइंट जो है अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, और ये बार कोड आप स्कैन करें, सॉरी क्यूआर कोड, ये अपने मोबाइल पे मैं स्कैन करता हूँ और मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को तो मैं नहीं दिखा सकूँगा, पर कोड जो है ये मोबाइल पे स्कैन करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है मोबाइल पे चल जाएगी। तो ये मोबाइल पे स्कैन कर रहा हूँ, आईफोन में देखते हैं इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने जो है स्कैन किया है और ये मेरे मोबाइल पे एप्लीकेशन। अच्छा, इसके लिए आपको एक ही लाइन पे होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दिखा रहे कंपाइलिंग बिल्डिंग, ये मेरे मोबाइल पे चलना शुरू हो गया, ठीक है। ये 0% हुआ है, अभी मेरे मोबाइल पे भी 0% आ रहा है, थोड़ी देर में चल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करें, ठीक है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करें। यहाँ से आप डिवाइस सेलेक्ट करें, आप जो है कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन चाहिए, कौन सी डिवाइस के लिए आप जो है एंड्रॉयड को चलाना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर एंड्रॉयड में पिक्सल कहता हूँ, पिक्सल मैंने किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ से मैंने फिर नेक्स्ट किया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन की इसकी और फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये एक डिवाइस बन जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी डिवाइस एम्यूलेट करना चाह रहे हो, तो ये जो है 2 GB मांग रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। जो हमने पहले से डिवाइस बनाई हुई है उसी पे मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी डिवाइस बनी हुई है, इसको मैं रन करता हूँ, एक्शन में रन का ऑप्शन आ रहा है, प्ले का ऑप्शन, तो मेरी एंड्रॉयड की डिवाइस चल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये भी चल जाएगी। तो ये रन हो रही है अभी, मैंने दोबारा से क्लिक कर दे रहा हूँ, ये चल रहा है ऑलरेडी, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में पीछे चल रहा है, बैकग्राउंड पे अभी ये डिवाइस चलना शुरू हो गई, ठीक है। ये एंड्रॉयड की डिवाइस चल रही है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हम जो है थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं रिएक्ट नेटिव की। और तो कंपोनेंट्स, क्रॉप्स और स्टेट्स, इसके बारे में मैंने कल भी बात कर ली थी आपसे। सेटअप किस तरीके से करेंगे रिएक्ट नेटिव को, ये मैंने आपको बता दिया। 3 तरीके मैंने आपको बताए रिएक्ट नेटिव को चलाने के। एक्सपो जो है वो फास्ट अप्रोच है। अच्छा, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है रिएक्ट नेटिव को चलाने में, आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे चलाया था, तो उसमें आपको जावा होम सेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, एंड्रॉयड SDK रूट सेट करना पड़ेगा। बाज़ अवकात लाइसेंस एग्रीमेंट का मसला आता है, तो इस फोल्डर में जाके आपने SDK मैनेजर जो है वो चलाना होगा, तो आपका जो है लाइसेंस एग्रीमेंट सेट हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे याद आ गया, ब्लू स्टैक भी है, इसी तरीके से जेनी मोशन भी है, तो उस पर भी आप, जेनी मोशन भी फास्ट एम्यूलेटर है, उस पर भी चला सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एम्यूलेटर्स हैं। तो कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट नेटिव में, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जैसे ये देखें ना, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। फंक्शनल कंपोनेंट मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, तो एक ही फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने रेंडर का मेथड है, और रेंडर का मेथड जो है आपने
नहीं देते इसके अंदर, फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ देखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। एमुलेटर क्या होता है, सैयदा का क्वेश्चन है बेटा। जब आप जो है मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो आप उसको साथ साथ टेस्ट करना चाह रहे हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने एंड्रॉयड का मोबाइल हो उस पर चेक करो, दूसरा ये आप कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो कि बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर डिप्लॉय करोगे आप, उस पर टेस्ट करोगे, तो जिस तरीके से आप मोबाइल पे चलाते हो वैसे ही आपके एमुलेटर पे चल रहा होगा। तो ये फंक्शन है, फंक्शन में ये एक कंप्यूटर बेसिकली फॉर रनिंग एंड्रॉइड ऐप ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म एमुलेटर इज। सॉरी क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिएगा। सर बेसिकली एमुलेटर इज यूज फॉर रनिंग एंड्रॉइड ऐप्स ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। जरूरी नहीं है विंडोज प्लेटफॉर्म, एमुलेटर एक जनरल टर्म है, किसी भी एनवायरनमेंट पे आप एक्चुअल एनवायरनमेंट पे नहीं चला रहे बल्कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि डिवाइस को सिमुलेट कर रहा है, डिवाइस वाली फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने एक व्यू का कंपोनेंट बनाया है, जितनी भी एप्लीकेशन बनाओगे वो व्यू के अंदर आपका सब कुछ कोड होगा, क्योंकि आपके एप्लीकेशन का बटन हो गया जो भी हो गया। अच्छा हुक्स मैं बता चुका हूँ, अभी देखेंगे इंशाल्लाह उसको भी बात कर लेंगे। तो ये मैंने जो है जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी वो टॉप मोस्ट कंपोनेंट जो है आपका व्यू होगा, व्यू के अंदर जो है आप टैक्स लगाया आपने, ये टैक्स लेबल है, ठीक है, लेबल है, ये टैक्स बॉक्स नहीं है, ये एक और लेबल लगाया मैंने और एक स्टेटस बार लगाया। इसी तरीके से आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे, मैं एक और कंपोनेंट नीचे बनाऊँ, मैं यहाँ पर एक और एक फंक्शन देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो कि आपका जो है सबसे पहला कंपोनेंट ये होगा। अब आप एक और फंक्शन बनाओगे तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट नहीं होगा, पहले ये वाला कंपोनेंट चलेगा, इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है अगर कोई दूसरा कंपोनेंट बनाया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट फंक्शन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ बटन, ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं जो भी चीज़ रिटर्न कराऊँगा, फॉर एग्जांपल मैंने बटन लगा दिया एक, ठीक है। तो ये बटन एक, अब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो मेरा अच्छा इसका नाम जो है माय बटन रख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं माय बटन का कंपोनेंट वैसे ही कॉल कर लूँगा, जब माय बटन चलेगा तो माय बटन जो है ये नीचे वाला जो कोड है ये चलेगा, जो बटन है वो रिटर्न हो जाएगा, माय बटन की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा जो है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो पूरा यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये एक बटन लग जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने चाहे कंपोनेंट्स बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। बटन नहीं है ना, जो आपका कोई भी बटन हो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें बटन लगाएंगे ना, बटन जो है सर, ये जहाँ पर आपने ये बटन लिखा हुआ है और व्यू लिखा हुआ है, तो सर ये बटन्स हैं, ये तो एक्सपोर्ट फंक्शन। अच्छा मैं आपको जो है फिर इसको चला के दिखा, मैं जो है एक्सपो पे काम कर लेता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो पे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हम खोल लेते हैं, सर आप ये एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता रहे हैं या आईओएस के बारे में? एंड्रॉइड पर बना रहे हैं,
अभी तो ब्राउजर पे चलाएंगे yes, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं कोई स्टाइल, चलिए स्टाइल रहने देते हैं, अब मैं यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे पहले, ये हेल्प बटन जो है सबमिट का बटन लगा देते हैं, जो है इसका टेक्स्ट अभी